बाइक सवार उचक के महिला के गले से चेन छीनकर हुए फरार, मुकदमा दर्ज करके जांच पड़ताल में जुटी पुलिस। नगर पंचायत अतरौलिया निवासिनी मीरा पत्नी दिनेश मदनवाल की अतरौलिया रोडवेज के समीप मिठाई की दुकान है। नित्य की बात, शुक्रवार को मीरा अपनी दुकान से सुबह करीब 7:30 बजे दुकान पर काम करने वाले एक कर्मचारी के साथ बाइक से नगर पंचायत स्थित अपने आवास पर जा रही थी कि पहले से ही घात लगाए अज्ञात बाइक सवार उचक्कों ने BSNL टावर के समीप पहुंची महिला से झपट्टा मारकर गले से सोने की चैन नोच लिया और फिर स्टेट बैंक की तरफ से मदिया पार मोड़ होते हुए फरार हो गए। घटना स्थल से कुछ ही दूर खड़े कुछ बाइक सवार युवकों ने झपट्टा मारकर भाग रहे युवकों का पीछा भी किया, लेकिन वो भागने में सफल रहे। पीड़िता महिला के अनुसार पल्सर बाइक पर सवार एक युवक हेलमेट लगाया था, जबकि पीछे बैठा युवक मास्क लगाया हुआ था, जिससे वो पहचान नहीं सकी। पीड़िता के लड़के मनीष कुमार के पुलिस को इसकी सूचना देने पर मौके पर CEO किरण पाल सिंह और थाना अध्यक्ष वीरेंद्र कुमार सिंह पहुंच गए और अगल बगल के लोगों से घटना के बारे में जानकारी प्राप्त करके रोड के किनारे लगे CCTV कैमरे की मदद से उचक्कों की तलाश शुरू कर दी है। पुलिस इन अज्ञात बाइक सवार युवकों की सरगर्मी से तलाश कर रही है। पीड़िता मीरा ने बताया कि रोज की भांति आज भी सुबह दुकान पर कार्य करने वाले एक कर्मचारी की मोटरसाइकिल पर बैठकर जा रही थी, जैसे ही वो लोग BSNL टावर के पास पहुंचे, पीछे से आ रहे अज्ञात बाइक सवारों ने आगे गाड़ी रोककर झपट्टा मारते हुए गले से चैन लूट लिया और फरार हो गए। हालांकि इस मामले में नवनिर्वाचित व्यापार मंडल अध्यक्ष हिमांशु विनायकर T2 भी पुलिस प्रशासन के सहयोग में लग गए और जगह जगह लगे CCTV कैमरों को दिखाने में पुलिस का सहयोग प्रदान किए। इस संबंध में पीड़िता और पीड़िता के पुत्र ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। क्या नाम है चाची आपका? मीरा। क्या हुआ आज, का घटना घटी पूरा बतावा। दुकान से आ रहे थे, मेरे साथ में कर्मचारी था और गाड़ी आगे रोक लिए, रोक के मेरा गाड़ी रोक दिए, हम भी खड़ा हो गए, उसका करे की चैन खींच के लेके भाग गए। दो लोग रहना है, एक बाइक को दो लोग थे। हाँ, पहचान रहो, देखा रहो कैसे रहने? नहीं, लम्बा सा रहना, पतला सा। का पहने रहने? जींस पहन, जींस पहन रहे थे। हेलमेट वोट भी लगाए थे? एक लोग लगाए थे, एक लोग मुंह मास्क लगाए थे। आप अपनी बाइक से घर जा रही थी? हाँ, बाइक से। रोड ऐसे इसी टाइम जाती? हाँ, आगे आगे खड़ा कर दिए। क्या नाम भी आपका? महेश कुमार। क्या आपकी माता के साथ क्या हुआ, क्या घटना घटी? माता जी रोज डेली आती हैं दुकान पे, उसी टाइम जा रही थी घर पे, उसी टाइम जाते वक्त दो लोग बाइक सवार थे, वहाँ पे खड़े थे दुकान के, पहले ही रेकी कर रहे थे राउंड मार के अपना, फिर उसके पास जब ये आगे बढ़ी, फिर उसके पीछे पीछे बाइक वाले गए आगे गाड़ी खड़ा करके, फिर इनका बाइक गले पे हाथ मारे कस के, फिर चैन खींचे, फिर वहाँ से बाइक घुमा के भागे दोनों लोग। सूचना दी आप? सूचना थाने पे 112 नंबर पे फोन किए थे, फिर थाने से पुलिस आई थी। और जाँच कर रहे हैं, जांच कर रहे हैं, जांच का सही सही निर्णय लिया जाए, जो सही है वो पकड़ा जाए। कैमरा फुटेज में भी कुछ फुटेज आया क्या? फुटेज आया है, पहचान में पूरा क्लियर नहीं आ रहा है, लेकिन बात करते वक्त समय निर्धारित पे सवार आ रहा है। उस समय 7:31 में बात कर रहे हैं महेंद्र अभी के सामने, उसमें बात कर रहे थे दोनों। गाड़ी नंबर उमर कहीं दिखा जाए? कुछ गाड़ी नंबर दिख नहीं रहा था, राजस्थान की गाड़ी थी। हाँ, पल्सर था, दो लोग थे, पल्सर थे, ब्लैक कलर। जा रहे हैं थाने में पता की गई।